भले ही मंदिरों के रंग रूप बदलने लगे हों, भले ही मंदिर में दर्शन करने को रिलीजियस वाइब बताया जाने लगा हो, लेकिन ईश्वर की भक्ति का असर क्या होता है ये बताया है यूपी के औरैया की एक युवती ने। हाल ही में वृंदावन की यात्रा कर आई युवती ने कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। सिर्फ मन ही नहीं बल्कि रस्मों से भी रक्षा सोलंकी अब कान्हा की 16,000 पत्नियों से ही उनकी अर्धांगिनी बन गई हैं। रक्षा ने न सिर्फ मूर्ति के साथ अपना कन्यादान करवाया बल्कि पूरा जीवन श्री कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। बता दें औरैया के बिधुना कस्बा के भरथना रोड स्थित आवास पर ऐसी शादी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। शादी के साथ ही भक्ति में लीन 31 साल की रक्षा ने अपना पूरा जीवन कान्हा के नाम समर्पित करने का संकल्प लेते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति से शादी कर खुद को मीरा मान लिया। परिवार वालों के मुताबिक रक्षा जुलाई 2022 में वृंदावन गई थी और वहां से लौटने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब उनका पूरा जीवन अब भगवान कृष्ण का ही होगा। वृंदावन से लौटी बेटी को भक्ति में लीन देख उनके माता पिता भी उनकी बात नहीं टाल सके। वहीं परिवार वालों का कहना है कि शादी से अब भगवान उनके रिश्तेदार बन गए हैं और इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। वहीं परिजनों ने ये भी बताया कि रक्षा को बचपन से ही भगवान से शादी करने की इच्छा थी और उन्होंने ऐसा ही किया। बेटी की इच्छा के मुताबिक ही बीते शनिवार को बारात निकाली गई। द्वार पूजा से लेकर जयमाल और कन्यादान तक की रस्में सब कुछ पूरे धूमधाम से निभाई गई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।